जय माता की। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। गुरुजी मैं भी आपकी तरह जल कल्याण के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और जब से मैंने आपकी वो साधना वाली वीडियो देखी और मेरे अंदर उस कल रात से मैं सो भी नहीं पाया हूँ, और कल रात की इतनी उत्तेजना हुई है शरीर में और इतनी पॉजिटिविटी आ रही है कि मैं झट से आ जाऊँ और आपके पैरों को चरणों को स्पर्श करूँ और आपका आशीर्वाद पाऊँ। और मेरी ऐसी इच्छा है गुरु जी, कृपा करके मुझे अपने चरणों में एक छोटा सा सेवक बना के रखियो, और मैं आपके पास आना चाहता हूँ गुरु जी, और आपसे जो दक्षिणा लेना चाहता हूँ। और मैंने जब से अकल की वो वीडियो देखी है आपकी, तब कि मैं रात भर सो नहीं सका हूँ, और मेरे अंदर ऐसी ऐसी उत्तेजना आ रही है। और मैं क्या बताऊँ गुरु जी, मैं 2018 से आपको फॉलो कर रहा हूँ, फिर कुछ घर की परिस्थितियों के कारण मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है आपके पास आने का, और मैं आना चाहता हूँ गुरु जी, और आपके समक्ष और आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, कृपया करके आप मुझे पर दया दृष्टि बनाए रखे। और मैंने आपके पास एक पेमेंट भी डाली थी 2020 में, मेरे ऊपर पता नहीं गुरु जी क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता है, आता है जैसे जो अगरबत्ती करता हूँ हिलाता है और चला जाता है, उसके लिए मैंने आपके पास पेमेंट डाली थी, आपके किसी चेले ने काम किया था मेरा गुरु जी। आप दिल्ली भी आए हैं, मैंने तभी मैसेज किया है गुरु जी, कृपया करके आप मुझे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, और मुझे अपनी शरण में बुलाए, और मुझे आपका एड्रेस दीजिए, मैं आपके समक्ष आना चाहता हूँ और आपके चरण स्पर्श करना, हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ गुरु जी। जय माता की, जय गुरुदेव। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं दिनेश पर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज तक सोशल साइट या लाइव किसी के आश्रम में किसी महाराज के पास जाकर जो ज्ञान की प्राप्ति आपको नहीं हुआ, और हर जगह पर जा जाके आप थक गए, और अचानक आप मुझे देखना चालू करते हैं, और मुझे देखने के उपरांत क्या करते हैं आप लोग, मेरे सारे प्रयोग को यूज करते हैं और उसमें सफल हो जाते हैं। आपके अंदर एक ऐसा अनुभव आता है कि आप सोचते हैं कि मैं दिनेश्वर महाराज से जुड़ूं, परंतु उस दरमियान में मैं साधना नहीं देता था, अब मैं साधना स्टार्ट कर दिया है। जो भी साधना करना चाहता है ग्रुप में ज्वाइन हो, उसके पहले 5100 रुपए के चार्जेस हैं, वो पे करना पड़ेगा। उसमें आपके तंत्र कार्ड वीडियो मिलेंगे, प्रश्न लेख तंत्र कार्ड जूम लाइव पे मैं काटूंगा, उसके बाद मंत्र दीक्षा दिया जाएगा, आपको पूरी तरह से कामयाब बनाया जाएगा, ये ध्यान में रखना। और ग्रुप में जुड़े चढ़ावा देने के उपरांत आपको एक वीडियो देना है। वीडियो देने का कारण क्या है ये आप सभी को जान लेना चाहिए। आप जब साधनाओं में आप लिप्त होते हैं, जब उसमें लग जाते हैं, तो आपके अड़ोस के पड़ोस के आपके दुश्मन देखते हैं कि ये पूजा पाठ करना चालू कर दिया है, और ये सक्षम हो जाएगा तो ये हमारे ऊपर वार करेगा, तो वो क्या करेंगे, तांत्रिकों के पास जाएंगे, वहां से आपके ऊपर वार करेंगे, है ना। तो आपकी पूजा पाठ कभी संपन्न नहीं हो पाएगा, ना तो आप साधनाओं में पास हो पाओगे। इसी प्रकार से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप अपना वीडियो 1-2 मिनट का बनाकर आप मुझे सेंड करें, ताकि मैं इस चैनल पे डालूं, लोगों के नजर में आप सभी को दिखाओ, और उन चेहरे पे मेरी अपनी दृष्टि पड़े रहे, ताकि आपके अड़ोस के पड़ोस के जो भी काला जादू काली विद्याएं आपके ऊपर करना चाहते हैं, वो काली विद्या मुझसे टकराएगा, फिर आपके पास जाएगा। जब मुझसे टकराएगा तो यहां नाश हो जाएगा और आप बच जाओगे। मेन विषय यही है कि आप लोगों की 2 मिनट की जो वीडियो हम मांग रहे हैं, कारण यही है, कामयाब बनाना मेरा काम है। आगे आपको तय करना है कि आपको कामयाब बनना है या नहीं बनना है, ये आप डिसाइड करें। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा, और इस साधना और साधना सिद्धियों के मार्ग में आपको अच्छी तरह से गाइड किया जाएगा, और आपको अनुभव शक्तियों का प्रदर्शन भी कराया जाएगा, ये सत्य वचन है। जय माता दी।